एक सपना था बाइक पे पहाड़ों पे जाने का। घर वालों ने रोका, दोस्तों ने टोका, दुनिया ने डराया, पर कुछ काम ना आया। करनी थी मन की तो बस बन गया आवारा। नमस्कार दोस्तों, पिछले व्लॉग में देखा कि मैंने मसूरी में अपना सेकेंड डे भट्टा फॉल विजिट किया, क्योंकि आधे दिन बारिश हो रही थी और मैं भीग चुका था, इसलिए सिर्फ एक ही प्लेस एक्सप्लोर कर पाया। आज हमारा मसूरी में थर्ड डे है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि गेमटी फॉल और दलाई हिल्स विजिट कर लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, मिलते हैं आपको रोड पे। ये ठंडी ठंडी हवा स्किन को टच कर रही है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। खूबसूरत रास्तों में आपका स्वागत है। पेट्रोल पंप फुल कर दो। फ्यूल अप कर लिया है, अब हम सीधा निकल रहे हैं कैंपटी के लिए। दिया ढलान की ही एलिवेशन से लेके जा रहा हूँ। क्यों इतना स्ट्रेस आउट करूँ, क्योंकि सिर्फ ढलान है तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं हो, पीछे कोई गाड़ी नहीं है तो आराम से निकल सकते हैं। वाओ, जस्ट लुक एट द व्यू, डैम ब्यूटीफुल, एकदम हमको छोटा लद्दाख जैसी फीलिंग आ रही है ना, यहाँ से लद्दाख जैसे दिख भी रहा है। खूबसूरत यार, मतलब इतना खूबसूरत व्यू, वाओ भाई। मैं यहाँ ना सिर्फ एक मिनट के लिए रुकूंगा, लेकिन गाड़ी से नहीं उतरूंगा। वाओ, सी गाइस क्या ब्यूटी है। सीरियसली भाई, टर्न्स जो है ना वो बहुत ही क्रिटिकल, बहुत शार्प टर्न है। अब तो मेरे को 2-3 दिन हो गए चलाते हुए, तो काफ़ी अडॉप्ट हो गया हूँ सब चीज़ों को लेके, बट स्टिल आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इन सब चीज़ों में, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल हैं, और अगर आप इनएक्सपीरियंस्ड हैं तो कुछ ज़्यादा ही। कैंपटी फॉल जाते ही हम अपना रेस्ट करेंगे और एक अच्छा सा लंच करेंगे। ज़्यादा हैवी लंच नहीं करेंगे, लेकिन एक अच्छा सा लंच करेंगे, क्योंकि भूख मुझे भी लगी है और मेरे पिलियन को भी लगी है। कैंपटी फॉल के लिए जा रहे थे, और बोर्ड में मैं एरो में इस तरफ दिखा रहा है, और मैंने किसी लोकल से पूछा है, क्योंकि आगे मुझे ना लग थोड़ा डाउटफुल हुआ, तो मैंने पूछा, तो लोगों ने एक यहाँ के लोकल ने बताया कि सीधा जाना है, यहाँ नहीं आना है। तो यार बड़ा मेस्ड अप चीज़ है। तो यार मसूरी में तो आए हैं, बट यार रास्तों में ना थोड़ा गूगल मैप पे आप रिलाई नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ के बोर्ड्स में ना गलत तरह का इंफॉर्मेशन दिया हुआ, तो आप बोर्ड पे तो बिल्कुल रिलाई ना करें। गूगल मैप कहीं पे सही से होता है और कहीं पे तो यार अजीब ही होता है। और एक और चीज़ कि आप जब गूगल मैप पे करें ना, तो ड्राइव मोड करें, ना कि बाइक मोड जब आप नेविगेशन करते हैं, क्योंकि बाइक से ना वो कुछ भी दिखाता है यार, कहीं से भी छोटी छोटी गली होते। वो मेरे साथ तो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट उसी चक्कर में हुआ, तो हमेशा ड्राइव ऑप्शन सेलेक्ट करें, That will be much better. See guys the view, beautiful view. कितना खूबसूरत है, wow, amazing. तो थोड़ा 2 मिनट का यहाँ पे रेस्ट ले रहे हैं एक तरह से, और इस खूबसूरत व्यू को देखने के लिए। Enchanting, seriously. हरियाली देख के और ठंडी ठंडी हवा देख के हर कोई फिदा हो जाता है। ओ माय गॉड, एवरीवेयर हरियाली हरियाली, डैम दिस इज ट्रू ब्यूटी। और ऐसे रास्ते में जाते हुए, वाओ इनक्रेडिबल, मतलब दिल इतना भर चुका है ना अब यहाँ पे, मतलब इन सब चीज़ों से, कि बहुत अच्छा लग रहा है। लाइन वाइज लाइन सारे मोबाइल कैमरे ऑन है। क्या खूबसूरत व्यू है यार, मन करना है रुकने का, बट लेकिन यार क्या करें कि हम रुक नहीं सकते। अपनी बाइक पार्क करने के बाद हम लंच करने के लिए एक अच्छा सा ढाबा देख के हम वहां चले गए। तो यहां लंच करके कैंपटी फॉल के अंदर एंटर करेंगे। क्राउड तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, एज एक्सपेक्टेड, मुझे मालूम था कि क्राउड होगा, तो अभी जस्ट थोड़ा सा खाना खा के अंदर जाते हैं। आज हमें काफ़ी साइट सीन करें।
मिलते हैं आपको लंच के बाद। लंच में हमने सादी रोटी और भुना हुआ आलू और मटर मंगवाया जो कि बहुत टेस्टी था और प्राइस भी काफ़ी रीजनेबल था। मतलब इस रोड पे आपको इतना रश मिलेगा और इतनी नैरो लेन है और आना जाना बहुत अच्छा। अपना लंच ख़त्म करने के बाद हम निकल चुके थे अपनी डेस्टिनेशन के लिए और जैसे ही हम आगे बढ़े देखा कि इतनी सारी गाड़ियाँ आ रही थी, इतनी धूल, इतनी मिट्टी और क्राउड तो बहुत ही ज़्यादा था, तो बहुत ज़्यादा शोर था। उसके बीच में हमने रास्ता देखा और थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर हुई, तो हम लोगों से पूछ के हम आगे बढ़े। लेकिन अगर आप आएँ तो अपनी गाड़ी को ध्यान से आएँ क्योंकि यहाँ पार्किंग की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और हमने अपनी बाइक का चार्ज जो है 50 रुपीज़ दिया था और फोर व्हीलर का चार्ज 100 रुपीज़ है। वहाँ से आपको पैदल नीचे जाना पड़ेगा। जाने के दो रास्ते हैं, रोड से ही राइट साइड से नीचे की तरफ स्टेयर्स जाती हैं, उसी स्टेयर के साथ कैंप्टी फॉल की मार्केट भी है। मार्केट में बच्चों के लिए टॉयज, क्राफ्ट और फैशन से रिलेटेड शॉप्स आपको मिल जाएंगी। आप स्ट्रीट फूड भी ट्राई कर सकते हैं। स्टेयर से अगर आप जाते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 150 से 200 सीढ़ियां नीचे से होकर जाना पड़ेगा। बच्चों या बुजुर्ग के साथ अगर आप जा रहे हैं तो मैं आपको सीढ़ियों से जाना रिकमेंड नहीं करूंगा। दूसरा ऑप्शन है कि आप स्टेयर से थोड़ा सा नीचे जाके आपको एक स्टॉप मिलेगा, वहां से आपको रोपवे मिलेगी जो आपको सीधा कैंप्टी फॉल तक ले जाएगी। रोपवे के चार्जेस हैं 120 रुपीज पर पर्सन बोथ साइड के लिए और अगर आप एक साइड के लिए जाते हैं तो आपको 100 रुपीज देने पड़ेंगे। हम एक साइड से पैदल गए और काफी थक जाने के बाद हमने सोचा कि हम दूसरी साइड से रोपवे से जाते हैं। रोपवे में जाने से पहले आपको ध्यान को ये रखना होगा कि वहां आपको लंबी लाइन मिल सकती है। हमको कम से कम 30 मिनट्स का वेटिंग पीरियड वहां लगा। कैंप्टी फॉल में कोई एंट्री फी नहीं है। अगर आप कैंप्टी फॉल में नहाना चाहते हैं तो वाटर कवर कैरी करना ना भूले क्योंकि वहां पे आपसे लोग 150 से 200 तक लोग चार्ज कर सकते हैं। वहां आपको क्लोथ स्टोर की फैसिलिटी मिल जाएगी जिसका प्राइस 25 रुपीज पर पर्सन होता है। मेरा एक्सपीरियंस कैंप्टी फॉल का इतना अच्छा नहीं रहा क्योंकि ये प्लेस बहुत ज्यादा कमर्शियल है। जो लोग पीस लेवर हैं उन लोगों के लिए यहाँ प्लेस बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ क्राउड इतना ज्यादा है, जैसे दिल्ली मुंबई की मार्केट्स होती हैं उससे ज्यादा ही क्राउड आपको यहाँ मिलता है और वाटरफॉल कम, ये एक एडवेंचर पार्क ज्यादा लगता है। साथ ही जो वाटर पूल है वहाँ पे मेल लोग ज्यादा होते हैं, फीमेल हार्डली 5% आपको मिलती हैं और जो फीमेल होती है उनके साथ भी छेड़छाड़नी होती है। मैंने एक ही दो न्यूली मैरिड कपल को देखा था जिनके कुछ इशूज हुए थे वहाँ से, तो मैं ये प्लेस कपल्स के लिए तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। ओवरऑल इट वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स फॉर मी। हम हार्डली 30 मिनट्स वहाँ रुके थे, रोप वे से काफ़ी वेटिंग लगा इसलिए हमें 30 मिनट्स और एक्स्ट्रा लग गए। अगर आप ऑफ सीजन में यहाँ सेप्टेम्बर से मार्च के बीच में आते हैं तो आप जा सकते हैं, मगर रेस्ट ऑफ द फेरियर डोंट गो, बेटर गो टू भट्टा वाटरफॉल। अगर आपने भट्टा वाटरफॉल का वीडियो नहीं देखा तो मेरे आई बटन पे आ रहा होगा और आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप भट्टा फॉल का वीडियो देख सकते हैं। वो प्लेस इससे लाख गुना बेहतर है, आप वहाँ पे एक पीसफुल टाइम स्पेंड कर सकते हैं। फ्रॉम माय साइड दिस प्लेस इज नॉट विजिटिंग, प्लीज डोंट गो। कैंप्टी फॉल से निकल जाने के बाद हम एक जगह पे रुके जो कि बहुत पीसफुल थी और वहाँ से जो व्यू आ रहा था वैली का बहुत सुंदर था, तो हम लोग वहाँ पे रुक के चाय और मैगी खाई। 30 मिनट्स हमने रुके, उसके बाद फिर हम लोगों से पूछ के दलाई हिल्स के लिए आगे बढ़ गए। रही अपनी बसंती और मस्त लग रही है ना, आई मीन काफ़ी अच्छी लग रही है और इट्स लुकिंग सो अमेजिंग। तो गाइज अभी हम निकल रहे हैं दलाई हिल्स के लिए। कैंप्टी फॉल का तो कुछ नहीं हुआ, मतलब वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी, और लेकिन दलाई हिल्स के लिए आई एम प्रेटी एक्साइटेड। तो लेट्स सी सी गाइज, व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है। दलाई हिल्स अगर आप टू व्हीलर या फोर व्हीलर से आते हैं तो थोड़ी सी परेशानी होगी आपको नेविगेट करने में क्योंकि ये प्लेस के आसपास तिब्बतियन रेजिडेंस है तो छोटी छोटी गलियां बहुत है, तो गूगल मैप पे बिल्कुल भी रिलाय ना करें, आप लोगों की हेल्प लें और दलाई हिल्स के बारे में पूछ लें। नीचे बोल रहे हैं तुम्हारे में क्या दिख रहा है, फिर आई गेस नीचे ही जाते हैं, यहाँ तो मुझे मुश्किल लग रहा है कुछ। तो हम जा रहे हैं दलाई हिल्स के लिए और क्या बताऊँ यार, गूगल मैप पे तो आप बिल्कुल रिलाय नहीं कर सकते इस प्लेस के लिए, मतलब कितने सारे रूट हैं, कोई इधर बता रहा है कोई उधर बता रहा है, बहुत ही मुश्किल कंफ्यूजिंग हो रही है। तो अब पता नहीं हम उस पॉइंट में पहुंच पाएंगे या नहीं और मुझे तो टेंशन है पीछे जाने की क्योंकि ये इतना सकरा रास्ता है, इतना नैरो लेन है कि जाना बहुत मुश्किल हो रहा है।
बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। और ये जगह मेरे ना पूरी तरह से टेस्ट ले रही है, मेरे पेशेंस, मेरी स्किल्स और मेरी नेविगेशन की। तो देखते हैं क्या होता है। आई गेस ये वही रास्ता है जो बोल रहा बंद हो गया है। जैसे ही आप दलाई हिल्स की तरफ आएंगे, अपनी बाइक को या अपने फोर व्हीलर को पार्क करेंगे, तो आप देखेंगे कि वहाँ कई सारी गाड़ियाँ पहले से पार्क होती हैं, तो पार्किंग की कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप पीक आवर्स में जाते हैं तो शायद आपको पार्किंग से रिलेटेड इशू फेस करने पड़ सकते हैं। और जैसे ही आप अपना व्हीकल पार्क करेंगे, आप देखेंगे कि एक साइड में माउंटेंसरी है और इसे हैप्पी वैली भी कहा जाता है। पास ही में बुद्धिस्ट मॉन्क भी मिलेंगे। हाउएवर माउंटेंसरी ब्लिक लोगों के लिए क्लोज होती है, लेकिन आप अंदर जाके बाहर से उसको देख सकते हैं। और वहाँ से ही एक वैली है जहाँ से आप ग्रीन माउंटेन्स का व्यू शानदार तरीके से देख सकते हैं। वहीं से आप जाएंगे तो आपको वैली का व्यू दिखेगा, जहाँ से आपको ग्रीन माउंटेन्स का 360 डिग्री व्यू मिलेगा। और साथ ही में वहाँ कई बेंचेस हैं, तो वहाँ पे आप पीसफुली बैठ भी सकते हैं। दलाई हिल्स जाने से पहले ये प्लेस आपको मिलेगी। यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 30 मिनट स्पेंड किया, प्लेस काफ़ी अच्छी थी, तो हम थोड़ी देर वहाँ रुके और थोड़ी देर हम बेंच में बैठ के थोड़ा सा प्लेस को फील किया। तो गाइस ये रास्ता जाता है दलाई हिल्स के लिए, और नीचे गाड़ी पार्क किए और जाने में साथ खोल दिया। भाई ये हमारा वेलकम कर रहे हैं, और देखते हैं सिंगिंग मारते हैं कि नहीं मारते। मैं तो चुपके से निकल जाऊँगा बिना बताए। दलाई हिल्स पहुँचने के लिए ऑलमोस्ट 100 स्टेयर्स की ट्रैकिंग है। उसके बाद जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको साइड में कई सारे रेस्टोरेंट वगैरह दिखेंगे। और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे सीढ़ियों से, वैसे ही आपको तिब्बतियन फ्लैग दिखना शुरू हो जाएंगे। तो छोटी सी ट्रैकिंग जैसे ही आप ऊपर करके जाएंगे, आपको बहुत सारे तिब्बतियन फ्लैग दिखेंगे। और साथ ही आपको वहाँ पे बुद्धिस्ट लोगों के जो मार्क्स होते हैं, जो उनके स्टैचूज होते हैं, वो देखते हैं। उसके बाद जैसे ही थोड़े से डिस्टेंस में आप ऊपर की तरफ और जाएंगे, तो आप देखेंगे कि एक बुद्धा की बहुत बड़ी स्टैचू आपको दिखाई देगी। उसी को दलाई हिल्स कहा जाता है। दलाई हिल्स सी लेवल से 2000 मीटर की हाइट पे है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो मॉर्निंग और इवनिंग टाइम सबसे बेस्ट है। हमने ये प्लेस पे इवनिंग में विजिट किया था, एंड आई मस्ट टेल यू कि यहाँ पे 360 डिग्री का जो व्यू होता है वो बहुत फिनोमिनल है। तो अगर आप मसूरी आए हैं तो ये प्लेस आपकी लिस्ट में नंबर वन प्लेस पे होनी चाहिए। अगर आप मसूरी के माल रोड से आते हैं तो आपको दलाई हिल्स पहुँचने में 30 मिनट्स लग सकते हैं। यहाँ से एक तरफ आपको मसूरी सिटी दिखाई देती है, एक तरफ से आपको ग्रीन माउंटेन्स दिखाई देते हैं, और एक तरफ से आपको स्नो में ढका हुआ हिमालयन रेंज दिखाई देता है। इस प्लेस की बहुत हिस्टोरिकल वैल्यू है, क्योंकि तिब्बतियन को जब लासा तिब्बत से निकाला गया था तो वो लोग यहाँ पे इंडिया में आके बसे थे। बुद्धा स्टैचू के पीछे आप थोड़ा सा ट्रैक करके आप वैली के नीचे जा सकते हैं, और वहीं पे आपको बहुत से लोग शूट वगैरह करते हुए मिल जाएंगे। और साथ में दो तीन वहाँ पे आपको टी और मैगी के स्टॉल मिलेंगे, तो आप वहाँ शांति से बैठ के पहाड़ में मैगी का मज़ा ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू कंसिडरिंग सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। तो कैंपटी फॉल के शोर के बाद हमने दलाई हिल्स में 2-3 घंटे स्पेंड किए, और यहाँ आके काफ़ी सुकून मिला। अब जैसे ही रात होने लगी थी, हमने वापस जाने का डिसाइड किया। सो गाइस, ये है दलाई हिल्स, आई मीन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन मसूरी। मस्ट विजिट बिकॉज यू विल गेट सो मेनी थिंग्स एंड सो मेनी ब्यूटीफुल पिक्चर्स हियर। सी द व्यू, अमेजिंग। ये जगह बहुत अच्छी लगी, मस्ट विजिट है। और कैंपटी फॉल्स मुझे नहीं जाना चाहिए था, मुझे यहीं आना चाहिए था, बट स्टिल मैंने ये जगह कवर की, मुझे अच्छा लगा। तो अभी हो रही है रात और मुझे 15-16 किलोमीटर नीचे जाना है, और रात में मैं अवॉइड करता हूँ गाड़ी चलाना, बट स्टिल अब जाना पड़ेगा। तो वहाँ जाके देखता हूँ कि क्या सिचुएशन है। तो अभी मैं मोटो व्लॉग नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं होती है और लो लाइट में कुछ नहीं आता है। तो जो भी होगा वो मैं आपको होटल जाके इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो अभी के लिए साइन ऑफ करता हूँ।